टीवी का फेमस कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी हाल ही में एक प्यारी सी बेटी के मम्मी पापा बने। एक्ट्रेस ने सी सेक्शन के जरिए एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था। अभी युविका को हॉस्पिटल से छुट्टी भी नहीं मिली थी कि उनकी 6 दिन की बेटी को जानलेवा बीमारी हो गई। इस बात की जानकारी खुद युविका ने हाल ही में एक व्लॉग में शेयर करते हुए बताई। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें डॉक्टर्स डिस्चार्ज करने वाले थे, लेकिन तभी उनकी बेबी गर्ल की तबीयत अचानक से खराब हो गई। युविका व्लॉग में काफी ज्यादा इमोशनल नजर आई और उन्होंने बताया कि पहली बार हुआ जब मैं बेटी के साथ हॉस्पिटल में अकेली हूँ। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद रिकवरी थोड़ी स्लो होती है। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी, तभी डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए जिसमें पता चला कि मेरी बेटी को पीलिया हो गया है। एक्ट्रेस ने बताया कि जब बच्चे होते हैं तो अक्सर उन्हें पीलिया हो जाता है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। मैं दर्द में हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी बेटी पर ध्यान देना है। आपको बता दें, युविका चौधरी IVF के जरिए माँ बनी है। युविका चौधरी ने जैसे ही अपनी बेटी के बारे में फैंस को बताया, लोग भी काफ़ी इमोशनल हो गए। युविका और प्रिंस 6 दिन की बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि दोनों की बेटी को जानलेवा बीमारी हो गई है। सी सेक्शन से मां बनने के बाद युविका पूरा ध्यान खुद पर और बेटी पर रख रही हैं। युविका चौधरी के प्रेगनेंसी की बात करें तो शादी के कई सालों के बाद 41 साल की उम्र में युविका चौधरी IVF के जरिए मां बनी। प्रिंस नरूला और युविका ने साल 2018 में एक दूसरे से शादी रचाई। दोनों की मुलाकात बिग बॉस 9 में हुई थी, यहीं से उनके बीच दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कपल ने लगभग 1 साल तक एक दूसरे को डेट किया और अब शादी के कई सालों के बाद युविका और प्रिंस के घर पर बेटी का जन्म हुआ है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।